आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना वैक्सीन के उपयोग से कोरोना के गंभीर संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से वैक्सीन लगवाने का आह्वान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के आह्वान को अमल में लाते हुए प्रदेश भर में 21 जून से 30 जून तक वैक्सीनेशन महाअभियान का श्री गणेश सोमवार को हुआ। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 48 में पार्षद जितेंद्र चौधरी की अगुवाई में सेंट अर्नोल्ड स्कूल के सामने लाला राम नगर कम्युनिटी हॉल पर टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ विधायक महेंद्र हार्डिया की मुख्य उपस्थिति में हुआ। इसके पूर्व संपूर्ण टीकाकरण केंद्र को रंगीन गुब्बारों से सजाया गया। लोगों के लिए अल्पाहार एवं शीतल जल की व्यवस्था भी की गई। पार्षद जितेंद्र चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर वैक्सीन लगवाएं व दूसरों को भी जागृत करें। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कोरोना से लड़ने की एकमात्र कारगर दवा वैक्सीन ही है, और आज से 10 दिनों तक जो वैक्सीन लगने वाली है यह बिना किसी स्लॉट बुकिंग के लगेगी, यानी कि लोग मोबाइल और आधार कार्ड के साथ ऑन द स्पॉट वैक्सीन लगवा सकते हैं। श्री चौधरी ने बताया कि वैक्सीन महाअभियान के पूर्व विधायक महेंद्र हाडिया की अगुवाई में वाहनों पर घूम घूम कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने हेतु जन जागरण अभियान भी चलाया गया। आज प्रातः 9 बजे से वैक्सीन महाअभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्य रूप से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हाडिया, वार्ड 48 के पार्षद जितेंद्र चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता भोला यादव, पूर्व पार्षद परसराम वर्मा, एल्डरमैन नंदू बोरासी, टीकाकरण मंडल प्रभारी अनिल गौहर, वार्ड अध्यक्ष राजू धीमान, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष प्रीतम यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान क्षेत्रीय थाना प्रभारी भी टीकाकरण व्यवस्था को देखने पहुंचे और बेहतरीन टीकाकरण व्यवस्था को देखकर काफी प्रभावित हुए। आज 21 जून माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा आज वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया है। आज इंदौर में ही करीब करीब 2.5 से 3 लाख डोज हमको लगाना है। हम लोग 3-4 दिन से पूरे परिवार के साथ मिल करके घर घर जाके पीले चावल बांट रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको निकाल रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी हर बूथ स्तर पे एक भी घर में कोई भी नहीं छूटे, करीब करीब हम सबको ढूंढ के निकाल कर उनको वैक्सीन कराएं। आज आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे सेंटर पर जिस हिसाब से लोगों में जागरूकता है, रश है, सुबह से इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज जो संकल्प लिया है पूरे प्रदेश को, मतलब पूरे भारत में प्रथम लाने के लिए, उसमें हम सफल होंगे। आज हम लोगों ने माननीय विधायक जी के साथ में हनुमान मंदिर में हम सब इकट्ठा हुए, वहाँ से हम 150-200 लोग साइकिल पर इकट्ठा होकर निकले वहाँ से, और एक माइक साथ में लेके हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया। पूरे कॉलोनी बस्ती में घूमे, हम विधायक जी साथ में थे हमारे, हम यहाँ पे साइकिल के द्वारा आए और आने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके हमने वैक्सीन सेंटर का लोकार्पण कर, मतलब शुरुआत करी इसकी। आज कितने को लग रही है और टोटल टारगेट कितना रही है आज का जो हमारा वैक्सीनेशन का अभियान है, इसमें 18+, 45+ और 60+, इसके अलावा सेकेंड डोज भी है। उसके अलावा पहले सिर्फ आधार कार्ड पे हम वैक्सीन लगाते थे, इस बार हमारे को सहयोग ये मिला है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, बैंक की पासबुक भी चलेगी, आपका वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा। तो हमने जनता को पूरी सुविधा दी है कि आप लोग अगर ये साधन है तो आप लेके आए, हम आपको सरलता से वैक्सीन लगाएंगे। आप